आठवीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। आइए अब हम शुरू करते हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में पहला पाठ है धरती का आंगन महकी। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। तो प्रस्तुत कविता में दीक्षित जी ने बताया है कि ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता धरती पर क्या है। उनका कहना है कि हम भले ही ज्ञान विज्ञान के बल पर आसमान को छू चुके हैं, परंतु इस विज्ञान का प्रयोग हमें धरती पर विध्वंसक अस्त्रों को बनाने में नहीं करना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब धरती पर सदाचार हो, अच्छा विचार हो, तब ये संभव है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से ध्यान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा धरती का आंगन जो है वो विज्ञान की प्रगति से सदा महकता रहे। हम विज्ञान का उपयोग करके बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और सरिता को हमें, सरिता यानी नदी को, और नदी की धारा को हमें इस तरह मोड़ देना चाहिए कि उसका पानी जो है वो हर एक खेत में पहुंचे और सारे खेत जो है वो हरी भरी फसल से लहराते रहे सदा। और मनुष्य की जो भी इच्छाएं हो, आशाएं हैं, वो अवश्य पूर्ण होनी चाहिए, परंतु मनुष्य को वह अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, वो सदैव विश्वसनीय बना रहे। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। तो इन पंक्तियों में प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि हमें हर शिल्प कला को अपनाकर देश को उन्नत करना चाहिए। और जिस प्रकार हम अपना श्रृंगार करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो इसी प्रकार धरती का श्रृंगार जो है वो किससे होना चाहिए, सदैव फल फूल उसके खिलते रहे, हरे भरे वृक्ष जो है वो लहलाते रहे। तो इस प्रकार धरती का सदैव फलों और फूलों से श्रृंगार होता रहे। इंसान ने विज्ञान का उपयोग करके बड़े बड़े चंद्रयान बनाए हैं और वो इस यान का उपयोग चंद्रलोक में जाने के लिए, मंगल ग्रह में जाने के लिए भले ही किया हो, परंतु इंसान को इस विज्ञान का उपयोग धरती पर विध्वंसक अस्त्रों को बनाने में नहीं करना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। तो हमारा व्यवहार जो है वो हमारे सदाचार और हमारे अच्छे गुण ही हमारे चरित्र के परिचायक हैं। हमारा व्यवहार जो है वो सबके प्रति स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार ही हमारी सुंदरता को दर्शाता है। और हमारी प्रतिभा मेधा यानी बुद्धि, और हमारी बुद्धि इसका प्रमाण किससे मिलता है, हमारे व्यवहार से। मानव भरा मानवतापूर्ण व्यवहार ही हमारी चरित्र को नापता है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो हम अपनी आत्मा को अपने सद्व्यवहार के परिधान से सदैव ढके रहें। हमें सदैव सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमारी आत्मा में अच्छे विचार सदैव बसे रहने चाहिए। आओ हम सब मिलकर इस धरती माँ का जयगान करें, उसकी अर्चना करें। तो आप लोग को समझ में आ गया प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या बताया है कि विज्ञान का उपयोग हम अच्छे कार्यों के लिए करें, अपने देश को प्रगति के पथ पर लाने के लिए करें, ना कि धरती को विनाश करने के लिए या विध्वंसक अस्त्र बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कवि ने ज्ञान विज्ञान की महत्ता को समझाया है। ये हो गया कविता का विस्तार। अब इसके अगले भाग में हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर।